सर, ये 6 mm की बैच प्रिंटिंग मशीन है। इसमें ये आपको क्या क्या मिलेगा मैं दिखा रहा हूँ आपको। एक तो ये इसका ये सॉफ्टनर है जो पैड में इस्तेमाल करते हैं, ये इंक आ गई इसकी, है ना, ये अलग रख देता हूँ मैं। ये मशीन आएगी इसके अंदर, मशीन को सबसे पहले यहाँ लॉक होता है, ये हटा डालेंगे इसको। उसके बाद हमें ये हल्का सा देखिए प्रेस करेंगे, जैसे दबाएंगे छोटा सा, ये यहाँ से खींच लेंगे इसको पकड़ के। ये थोड़ा सा टाइट होता है, थोड़ा कस के खींच लेंगे इसको, है ना, आ जाएगा। इसके अंदर जो भी अक्षर आपको लगाने हैं वो लगा सकते हैं, है ना, बैच नंबर, पैकेट, एक्सपायर्ड और ये MRP। देखिए ये जो आप देख रहे हैं, मैं दिखाता हूँ उसको, देखो देखिए इसके नीचे खाँचे बने हुए होते हैं और आसानी से इसमें ये लग जाते हैं, है ना, बहुत आसानी से लग जाते हैं। और 6 mm की मशीन है ये, इसके अंदर आपके आपके 4 लाइनें आ जाएंगी आसानी से। ये आपको जो भी यूज करनी है, 3 करनी है 3 यूज कर सकते हैं, एक हटा दो इसमें से, और 4 करनी तो 4 से ज़्यादा इसके अंदर नहीं आएंगी, ठीक है। उसके बाद पैड है इसके अंदर, इधर से जैसे कि हम इधर से एक बार दोबारा से देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ उसको। इसके अंदर ये खाँचा लगा बना होता है, इसी के अंदर ही इसको हम डाल देंगे, ठीक है। इधर की तरफ से पैड ये आएगा खाँचे वाला, जिधर से हमें नंबरिंग डालनी है, दूसरी साइड में इसका पैड होता है। जब दबाएंगे इसको तो ये देखिए पॉइंट है, ये इस पॉइंट को हल्का सा खींचेंगे और ये पैड बाहर आ जाएगा। इसके अंदर इंक डालेंगे और इंक जो है इसकी जब भी डालेंगे कभी भी इसके अंदर, तो ये पूरी इंक से इसको पूरा कर लेंगे, मतलब कहीं भी वाइट नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा सी डालेंगे। और जब काम करने के बाद इसको रख देंगे तो इसको पूरे के पूरे को इसको निकाल के अगर प्लास्टिक की पन्नी में पैक करके रखेंगे तो ये जल्दी सूखेगा नहीं, उससे आपकी लाइफ बढ़ जाएगी इसकी मशीन की, ठीक है। और वापस लगा देंगे इसको, ऐसे ही लग जाता है आसानी से। दूसरा, जब इसे बहुत दिन तक यूज़ करते रहेंगे तो इसमें जगह जगह पर जैसे यहाँ पे ये टच होता है तो यहाँ तेल डालना है, मशीन का तेल यूज़ करेंगे तो उससे लाइफ बढ़ती रहेगी इसकी। इधर साइडों में हल्का हल्का सा, बहुत ज़रा ज़रा सा तेल डालकर रखेंगे, हमेशा नहीं, महीने 3 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने में करेंगे, ठीक है। अभी इसके साथ कौन कौन से अक्षर आएंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके साथ में ये एक्स्ट्रा एक कैट देते हैं, कभी ख़राब हो जाता है किसी कारणों से, या खो जाता है निकल जाता है, तो उसके लिए नया देते हैं हम एक साथ में। और एक ये इसका सॉफ्टनर, ये भी कभी कभी जब एक्स्ट्रा देते हैं हम लोग, ये कैची होती है ये। अच्छा, ये एक चिमटी देते हैं ना, इसे दबाने के लिए, कभी नहीं लगता है तो ठीक से लगा सकते हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ उसको, कोई सा भी अक्षर जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर, ये रुपये का है, ये सभी तरीके के हैं इसके अंदर, है ना, देखिए नंबरिंग और आपका है ना MFD, रुपये, पीस, नंबर, सब मतलब जितने भी हमें चाहिए अपने बैच प्रिंटिंग के लिए, वो सारे अक्षर इसके अंदर, ABCD वगैरह सब कुछ इसके अंदर उपलब्ध है, ठीक है। और इसको लगाना तो मैंने दिखाई दिया था आपको, एक बार और दिखा देता हूँ मैं आपको। इसको आसानी से निकाल लेंगे यहाँ से, और ये इसके नीचे खाँचे लगे हुए हैं, इसको यहीं पर भी इसको आसानी से लग जाता है, देखिए बहुत आसानी से फिट हो जाता है। और ये सब अलग अलग हैं, ये देखिए ये सब अलग अलग हैं, इनको जो है या तो कैंची के द्वारा काट सकते हैं, ऐसे पकड़ खींच भी सकते हैं, टूट जाएगा यहाँ से, है ना, सब अलग अलग हैं ये, ठीक है सर, ओके, थैंक यू।